हेलो। अरे बेबी, तुम्हें कितनी बार बोला यार, मिलने आती हो तो कम से कम नहा के आया करो। पिछली बार तुम ऐसी उठ के आ गई, क्या मतलब नहा के आई थी? पूरा पसीने की बदबू से पूरा उल्टी जैसा मन हो गया था मेरा। मेरे दोस्त एक बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा उसको। अगर खुश शर्म होती है कि घर से बाहर निकलो तो नहा दो के आया करो। आ गई तुम ऐसे उठ के, तुम्हारी मम्मी भी नहीं नहाती ना, तुम नहाते हो। अरे नहीं, नहा के नहीं आती यार, ये पता नहीं क्या ड्रामा है। मिलने मत आया करो तुम मुझसे यार, कम से कम थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। कहीं किसी के पास जा रहे हैं तुम्हें खाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, आइसक्रीम खाने हैं, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, नहाना तुम्हें होता नहीं है। तुम्हारे पापा नहाते कि नहीं नहाते, वो भी बैल बुद्धि की तरह बिल्कुल। चलो ठीक है, आपसे नहा के आया करो, बिल्कुल ही जानवर हो। अरे मम्मी, अरे वो अंकल कॉल कर रहे हैं, अंकल से अगर बात कर लो। वो आंटी को सुबह सुबह सांप ने काट लिया। हाँ, अरे वो आंटी जिसको नागिन नागिन नहीं कहते थे, सांप ने काट लिया उनको। नहीं, आंटी तो ठीक है, सांप मर गया। हाँ, ले के गए उसकी पोस्टमार्टम के लिए सांप को ना। हाँ एक बार बात कर लो, फोटो भेजिए आंटी ने। आंटी तो ठीक है बिल्कुल। हाँ कर लो, ये नहीं तो बोलेंगे बात नहीं करी। नहीं, सांप तो मर गया पूरा। हाँ। अरे नहीं कर रही यार मम्मी शादी, पीछे पड़ गए। शादी कर ले, शरीर है शादी करने लायक? क्या करूंगा शादी करके, कुछ होगा वोगा वैसे भी नहीं करनी मेरे को शादी। और वैसे भी मुझे वो आंटी से प्यार है। हाँ तो क्या हो गया, मैं कर लूंगा उससे शादी, मैं संभाल लूंगा उनके बच्चों को। अरे भाई दो ही तो बच्चे हैं यार, क्या हो जाएगा फिर, क्या बेइज्जती हो जाएगी। नहीं हो गया, प्यार अंधा होता है, हो गया मेरे को भी। उसकी मम्मी ने बोला सिलेंडर लेके आ जा, और मैं लेके आ गया। उसकी मम्मी ने स्माइल करके देखा, हो गई मेरे को प्यार उससे। अरे आप इतनी टेंशन मत लिया करो यार मम्मी, जब मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही। हाँ मैं पाल लूंगा, बच्चे भी पाल लूंगा और मैं भी खुद भी पल जाऊंगा, टेंशन मत लो आप। अरे प्यार करता हूँ मम्मी, मैं जान दे दूंगा, मैं किसी लड़की लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैं आंटी से शादी करूंगा। प्यार हो गया तो हो गया बस, इससे इसके अलावा मुझे कुछ सुनना नहीं, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। क्या यार मम्मी क्या बोल रहे हो, दिमाग मत खराब करो, मैं उसी से शादी करूंगा। वो बच्चा हाँ, पढ़ाई का खर्चा मैं उठा लूंगा उनके, क्या मतलब खुद का खर्चा नहीं उठ रहा मेरा। हेलो बेबी, बेबी अब हम शादी नहीं कर पाएंगे। नहीं मम्मी मना नहीं कर रही, ना पापा मना कर रहे हैं, दोनों को मना लिया। लेकिन तुम्हें मैं बोल रहा था ना, मेरे पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। वो मैंने वो रिपोर्ट करवाई थी, हाँ टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर बोल रहे हैं अब तुम बाप नहीं बन सकते कभी भी। अरे यार सबके सामने बोलना पड़ रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं शादी करने का, ना बच्चे होंगे ना कुछ होगा भाईगा। अरे यार अब हम शादी नहीं कर सकते भैया, तुम किसी और से शादी कर लेना, क्या फायदा ऐसे शादी करने का जब बच्चे ही नहीं खेलेंगे, बच्चों की किलकारियां नहीं भी गूंजेगी घर पे। हाँ डॉक्टर साहब बोल रहे हैं पेन तो है लेकिन अब सही नहीं बची उसमें। हाँ, चलो ठीक है अब रहने दो, कोई फायदा नहीं, अब तुम किसी और बंदे को ढूंढ लो। हेलो मम्मी, हाँ मेरे लिए जो लड़की ढूंढ रहे थे ना, अब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मना नहीं कर रहा शादी के लिए, शादी तो मैं करूंगा, बस लड़की मत ढूंढना। हाँ ढूंढ लिया मैंने, मेरे सामने खड़ी है। हेलो, अरे सुबह से फोन करो, फोन तो उठा लो। वो अंकल का मैसेज आया था, वो आंटी को सांप ने काट लिया। अरे वो जो नगीना नगीना नहीं कहते थे आंटी को, हाँ फिर बात कर लेना। नहीं नहीं आंटी तो ठीक है, सांप मर गया। अरे मजाक नहीं कर रहा, बात कर लो करो। हाँ ले गए सांप को पोस्टमार्टम। ठीक है ठीक है।